हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हे एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ कोसरिल्ला। यहाँ पे मैं कोसरिल्ला बिना ओवन के बची हुई चपाती में से बनाने वाली हूँ, तो इस रेसिपी को आप जरूर देखिएगा और इसे ट्राई भी कीजिएगा। आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोसिडिला बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर फिल किए जाने वाली सब्जी को रेडी करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे मैं एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख रही हूँ। कढ़ाई हल्की सी गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये 1.5 चम्मच जितना ऑयल। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इसमें डालेंगे ये एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह लंबे शेप में कट कर लिया है। प्याज को हमें हल्का सा पकने देना है। इस तरह से प्याज हल्की सी पक जाने के बाद हमें इसमें डालना है ये कैप्सिकम। यहाँ पे मैं ये ग्रीन वाला और ये येलो वाला कैप्सिकम डाल रही हूँ। अगर आपके पास रेड कैप्सिकम अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। रेड और येलो कैप्सिकम बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे हल्का सा पकने देना है। ये पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये कैबेज। यहाँ पे मैं तकरीबन 250 ग्राम जितनी कैबेज का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सारी सब्जियों को मिक्स करके हमें अच्छी तरह से पकने देना है। हल्की सी पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा मरी पाउडर और ये थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हमें 2-3 मिनट के लिए और पकाना है। ये सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच जितना टोमेटो केचप, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। मिक्स कर लेंगे इसको सब्जियों के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 चम्मच मायोनीज। मायोनीज डालने से ये जो सब्जी का टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा मायोनीज का टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मायोनीज से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 1/2 चम्मच जितना ऑरेगानो और 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारी सब्जी है फिल करने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एक चपाती ले ली है। चपाती के ऊपर सबसे पहले हम ये मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज को हमें अच्छी तरह से पूरी चपाती के ऊपर लगा लेना है। यहाँ पे मैंने वीबा का मायोनीज यूज किया है। अगर आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का मायोनीज यूज कर सकते हैं। इस तरह से मायोनीज लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये चीज। चीज को हमें चपाती के एक साइड में ही डालना है। यहाँ पे मैंने ये मोजरेला चीज का इस्तेमाल किया है। चीज की क्वांटिटी भी आप ज्यादा कम अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा चीज ही खाना पसंद होता है। अब इसमें डालेंगे ये जो हमारी वेजिटेबल की फिलिंग हमने पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी वो। इसे भी हमें ऐसे हाफ पोर्शन में ही डालना है।
अब इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा और चीज, अब इसको आधा फोल्ड करके ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि गर्म होने के बाद चीज मेल्ट होता है तो उसके साथ ये जो ऊपर का बड़े वो चिपक जाएगा अच्छी तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैंने यहाँ पे स्टोव पे एक तवे को गर्म करने के लिए रखा है। अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अब इसके ऊपर डालेंगे ये जो हमारा रेडी किया हुआ कॉसेडिलो है वो। कॉसेडिलो को हमें धीमी आंच पे हल्का ब्राउन कलर का होने तक पकने देना है। धीमी आंच पे पकने देने पर इसका जो अंदर का चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम इसे ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए ये हल्का ब्राउन कलर का हो चुका है। इसे हमें ऐसे ही हल्के हाथों से प्रेस करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर से ताकि ये जो चीज़ मेल्ट होए तो उसमें रोटी का जो लेयर है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे चारों ओर। दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही बिल्कुल ब्राउन कलर का होने तक पकने देना है। ये देखिए ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें इसे सैंडविच की तरह ही दो टुकड़ों में कट कर लेना है। ये हमारा कॉसेडिलो जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है।